बहुत जोश में हम, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे शहर जम्मू में आ रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा, और मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने जज्बाती तौर के आने पे ये कहता हूँ कि कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां विकास की ऐसी बयार बही कि इस केंद्र शासित प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदल गई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्रीय योजनाएं यहां लागू हो सकी और गांव देहात से लेकर शहरों तक में रह रहे लोगों को केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ मिलने लगा, जिससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। देखा जाए तो प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए जो संकल्प लिए थे उन्हें अपने 2 कार्यकालों में साकार कर दिखाया है। आतंकवाद और भ्रष्टाचार का खात्मा हो, परिवारवादी राजनीति को सत्ता से दूर करना हो, या फिर जनता का हक मार रहे बिचौलियों को खत्म कर जनता के हक का पैसा सीधे उनकी जेब में पहुंचाना हो, मोदी ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। 2013 के दिसंबर माह में जब नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में जम्मू में ललकार रैली को संबोधित करने आए थे, तो उन्होंने पूछा था कि क्यों देश के अन्य भागों की तरह यहाँ के लोगों के लिए IIT, IIM और एम्स नहीं है। देखा जाए तो उन्होंने 2013 में जो संकल्प लिया था उसे आज जम्मू कश्मीर को IIM और एम्स देकर सिद्ध करके दिखा दिया है। जहां तक प्रधानमंत्री के आज के दौरे से जम्मू कश्मीर को मिली सौगातों की बात है, तो आपको बता दें कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में शिक्षा, रेलवे, विमानन और सड़क क्षेत्रों सहित 32,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। जम्मू से प्रधानमंत्री ने देश भर में 13,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं में IIT, IIM और केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। मोदी ने जम्मू कश्मीर के लगभग 1500 नए भर्ती सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए और विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। मोदी ने जिन रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें बनिहाल खारी सुंबर संगलदान और नव विद्युतीकृत बारामूला श्रीनगर बनिहाल संगलदान खंड के बीच रेलवे लाइन शामिल है। उन्होंने घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान और बारामूला स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। देखा जाए तो बनिहाल खारी सुंबर संगलदान खंड का चालू होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यात्रियों को बेहतर सवारी अनुभव प्रदान करने वाले पूरे मार्ग पर गिट्टी रहित ट्रैक का उपयोग किया गया है। हम आपको बता दें कि भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 जो कि 12.77 किलोमीटर है, खारी और सुंबर के बीच के हिस्से में स्थित है। आज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 पूर्ववर्ती राज्य के विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा था। मोदी ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर ने सभी इलाकों और सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास देखा है जो अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पहली बार जम्मू कश्मीर में लोगों के दरवाजे पर पहुंची है। उन्होंने कहा यह मोदी की गारंटी है और यह जारी रहेगी। साथियों, विकसित होते जम्मू कश्मीर को लेकर आज पूरी दुनिया में बहुत उत्साह है। मैं तो हाल में ही गल्फ देशों के दौरे से लौटा हूं, वहां जम्मू कश्मीर में निवेश को लेकर बहुत पॉजिटिविटी है। आज जब दुनिया जम्मू कश्मीर में G20 का आयोजन हो देखती है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक पहुंचती है। पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर की सुंदरता, यहां की परंपरा, यहां की संस्कृति और आप सभी के स्वागत से बहुत प्रभावित हुई है। आज हर कोई जम्मू कश्मीर आने के लिए तत्पर है। पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए, जो एक रिकॉर्ड है। अमरनाथ जी और श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा हो गई है। आज जिस गति से यह इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसको देखते हुए ये संख्या आने वाले समय में कई गुना बढ़ने वाली है। पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या यहां रोजगार के भी अनेकों नए अवसर बनाने वाली है। साथियों,
ये 370 की ताकत देखिए, 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। अब प्रदेश का कोई भी इलाका पीछे नहीं रहेगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहां जो लोग दशकों तक अभाव में जी रहे थे, उन्हें भी आज सरकार के होने का एहसास हुआ है। आज आप देखिए, गांव गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ यहां के नौजवानों ने बिगुल फूंक दिया है। आज जम्मू कश्मीर का हर नौजवान अपना भविष्य खुद लिखने के लिए आगे निकल रहा है। जहां कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी की चहल पहल दिखाई देती है। मैंने सवाल उठाया था कि आज जम्मू में भी IIT और IIM जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते। वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। अब जम्मू में IIT भी है और IIM भी है, और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज यहां IIT जम्मू के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का लोकार्पण हुआ है। मैं देख रहा हूं नौजवानों का उत्साह अद्भुत दिखता है। इसके साथ साथ IIT भिलाई, IIT तिरुपति, IIIT DM कुर्नूल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल कानपुर, उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोकार्पण किया गया है। आज IIM जम्मू के साथ साथ IIM बोधगया बिहार में और IIM विशाखापट्टनम कैंपस आंध्र में, उसका भी उद्घाटन यहीं से हुआ है। इसके अलावा आज NIT दिल्ली, NIT अरुणाचल प्रदेश, NIT दुर्गापुर, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISER बहरामपुर, IIIT लखनऊ जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, ऐसी कई सुविधाओं का भी लोकार्पण हुआ है। साथियों, 10 साल पहले तक शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में इस स्केल पर सोचना भी मुश्किल था, लेकिन ये नया भारत है। नया भारत अपनी वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है। बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ है। यहां जम्मू कश्मीर में ही करीब 50 नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। 50 ऐसे 45,000 से ज्यादा बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया गया है, और ये वो बच्चे जो पहले स्कूल नहीं जाते थे।
और मुझे खुशी है कि इन स्कूलों का सबसे ज्यादा फायदा हमारी बेटियों का हुआ है। आज वे घर के पास ही बेहतर शिक्षा हासिल कर पा रही है। एक वो दिन थे जब स्कूल जलाए जाते थे, एक आज का दिन है जब स्कूल सजाए जाते हैं। साथियों, विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर को इस मकसद को लेकर जो उत्साह है वाकई अभूतपूर्व है। ये उत्साह हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है, जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव तक पहुंच रही थी तो आप लोगों ने उसका शानदार स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। कोई भी सरकार की योजना के लाभ, कोई भी जो उसका हकदार है वो छूटेगा नहीं, और यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो कमल का कमाल है। और हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। हम आपको यह बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों में खूब उत्साह देखा गया। बहुत जोश में हम, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे शहर जम्मू में आ रहे हैं। हमारा ये पूरा जो समुदाय पहाड़ी लोग, हम धार से हैं। हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड थी पिछले 40 साल से, और वो डिमांड जो है वो हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, हमसे वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी समाज, हमारे समाज को हमारा हक दिया है, उसके लिए हम मोदी जी के बहुत मशहूर हैं, और उनको देखने के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे इस भारत के लिए जो किया, शायद हम लोग यही कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। और मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने जज्बाती तौर के आने पे ये कहता हूँ कि कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। डेवलपमेंट के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लाए हैं। युवा पीढ़ी हमेशा मुतासर होती है काम से, और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम इस चीज पर मुतासर होकर यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हैं उनको देखने। हमारे जो ये ट्राइब्स लोग यहाँ पर आए हैं उनको उनका दर्जा दिया गया है, और हमारी ये डिमांड थी और वही हम उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो मोदी जी का शुक्रिया। हमारे जो मोदी साहब ने हमारे साथ वादा किया, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं, जो उन्होंने वादा पूरा किया इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह उनको वोट देकर इंशाल्लाह फिर जिताएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।